नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भवर सिंह। हाल के अंदर गोहाना के गीता स्कूल के अंदर मौजूद है। यहां पे आज़ाद शिशु बाजार लगाया गया है। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। हर तरह के जो हमारे दैनिक जीवन में यूज करने वाली चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का अलग अलग एक स्टॉल लगाया गया है। और बच्चों को वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है कि बच्चे किस तरह से बेचेंगे उनको, और किस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनको खरीदने के लिए आएंगे और उनको बनाएंगे। ये कई दिन तक ये बाज़ार चलेगा। सब्जियाँ बनाएंगे बच्चे और खरीदेंगे और उसके सब्जी बना के खाएंगे। तो इसी के साथ बात करने के लिए हमारे साथ गीता विद्या मंदिर के जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं और प्रिंसिपल सर भी सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये आपने जो बाज़ार लगाया है इसका क्या उचित है और क्या संदेश देना चाहते हैं सर? ये तो यह इन बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाए। घर में तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन ओपन फील्ड में आके भी सीखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों की हिम्मत है, इतनी सर्दी में होने के बावजूद भी अनुशासन से बैठे हैं और अपनी अब में जो है ना मजबूत बनेंगे। हमारे स्कूल का यही उद्देश्य है कि भी ये बच्चे आगे बढ़े और कुछ ना कुछ सीखे। क्या नाम है सर? सतीश कुमार गोयल, सदस्य मैनेजिंग कमेटी। तो प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर स्टॉल इतने अच्छे अच्छे लगा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसके साथ आप क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इसका से एक स्पष्ट उद्देश्य देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को करके सीखने का स्वभाव आए। उनको टमाटर का पता हो, गाजर का पता हो, केले का पता हो, अमरूद का पता हो, जब वो खुद करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा। NEP 2020 में भी करके सिखाने का भाव है। छोटी छोटी बातों से बच्चों को करें और सीखें। तो शिशु वाटिका का भी हमारा यही उद्देश्य है। 12 आयामों के माध्यम से हम बच्चों का विकास करते हैं शिशु वाटिका में। वो 12 आयाम इसी प्रकार के हैं कि बच्चा स्वयं करे और सीखे। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम इस शिशु बाज़ार को लगाते हैं और इस शिशु बाज़ार में बच्चे को सिखाने सीखने आचार्यों उसके ऊपर चिंतन करके बच्चे को रेट का पता हो, बच्चे का ये कौन सी चीज़ है उसका पता हो, फिर इसका उपयोग कैसे होगा इसका पता हो, इस दृष्टि से हम इसको कर रहे हैं और उससे बच्चे सीख भी रहे हैं। इसमें अभिभावकों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई दिनों से इस कार्य को किया जा रहा है। हर घर से, हमारे हर अभिभावक के घर से कोई ना कोई चीज़ आई है। किसी के यहाँ से टमाटर आया, किसी के यहाँ से केला आया, किसी के यहाँ से शूज़ आए, किसी के यहाँ से दालें आई। हर अभिभावक ने इसमें सहयोग किया है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आया। और अंत में ये सारा प्रयोग कहीं बाद में बच्चों पर ही प्रयोग होने वाला है। कहीं चाट के रूप में बच्चों को खिलाया जाएगा, फिर ये सब्जियां हमारे आचार्य भैया बहन बनाकर इन बच्चों को खिलाने वाली हैं। तो इससे कई उद्देश्य सार्थक होंगे। एक तो बच्चा सब्जी भी खाएगा और हम बनाकर हमारे टीचर उसको खिलाएंगे, तो उनको एक हरी सब्जी बच्चे घर में नहीं खाते, लेकिन यहाँ वही हरी सब्जी बनेगी तो बच्चा हमारा खाएगा, क्योंकि हमारे टीचर के देख रेख में खाने वाले। बाज़ार कब तक चलेगा? बाजार आज शाम को 2:30 बजे तक चलने वाला है। तो शाम तक ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे जो भी आप बता रहे हैं? शाम तक ये आज प्रक्रिया, आज तो ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसको कल और परसों दो दिन में, एक दिन सब्जियां बनेंगी, एक दिन फ्रूट चार्ज बनेगा, फिर एक दिन खिचड़ी बनेगी। ऐसा लगभग 3 या 4 दिन के अंदर ये हम संपन्न करेंगे। बच्चों को हर तरह का व्यंजन खाने को मिलेगा? हर तरह का व्यंजन इसे 3-4 दिनों के अंदर बच्चों को मिलने वाला है। क्या नाम है सर? अश्विनी कुमार, प्रिंसिपल गीता स्कूल। ये बहुत अच्छा लगा बाजार जो लगाया हुआ है। इससे हमारे बच्चों को बड़े होकर के स्वावलंबन का जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसमें प्रेरणा मिलती है और बच्चों का चहुमुखी विकास होता है। तो समाज में भी यही संदेश जाए कि भी बच्चे यहाँ चहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत मैनेजमेंट भी और स्टाफ भी यहीं रहता है। क्या नाम? डॉक्टर अनिल सैनी, पुरानी चंद सब्जी मंडी में कोमल हॉस्पिटल। सर इतना अच्छा बाजार लगा रखा है, इतना अच्छा बच्चे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आपका स्वागत है गीता विद्या मंदिर में। हर वर्ष हम इस तरह का बाजार लगाते हैं। बच्चे ये बहुत छोटे बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर सिर्फ दूसरी तक के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। बच्चों को तो जैसे सब्जी की दुकान लगाई है, फ्रूट की दुकान लगाई है, तो उनको पता होना चाहिए कि वेजिटेबल क्या है, फ्रूट्स क्या हैं, फ्रूट्स के नाम अलग अलग पता होना चाहिए, संतरे का और कीनू का उसे अंतर पता होना चाहिए, ये संतरा है ये कीनू है, सब्जी में भी ये मूली है ये गाजर है, इनको अलग अलग मतलब पता होना चाहिए बच्चे को, इसमें क्या गुण है, इसके खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या विटामिन हमें मिलते हैं। इन बच्चों को सारी इस तरह की जानकारी मिले
और एनईपी में भी जो है स्किल डेवलपमेंट का एक आ रहा है कि भी आगे से कॉन्सेप्ट है कि भाई बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस बाज़ार में हमने जैसे बच्चों को एक नाई की दुकान भाई यहाँ दिखाई गई है, यहाँ पर एक चाय की दुकान दिखाई गई है कि वो बच्चा चाय बना रहा है, एक बच्चे की प्रेस की दुकान लगाई है कि वो प्रेस कर रहा है कपड़ों को, एक डॉक्टर की दुकान लगाई गई है, एक जैसे किराने की दुकान है, किराने की दुकान पर अनेक अनेक मसाले हैं, अनाज है, इस तरह के जो है बच्चों को पता होना चाहिए सौंफ और जीरे में क्या अंतर है। वो देख रहे हैं, मैं पूछ रहा था बच्चों से भी ये क्या है सौंफ है, तो उन्होंने बताया कि ये दूसरी मिलती जुलती, उससे बताया कि ये जीरा है, अजवाइन है, वो मसालों के नाम अलग अलग बता रहे हैं। गेहूं में और जौ में उनको अंतर पता होना चाहिए भाई जौ क्या है गेहूँ क्या है, वो हर चीज़ का जो है यहाँ पर जो उनको बच्चों को दिखाया गया। मैं पूछ रहा था बच्चों से पपीता है और है उनके रेट पता किया मैंने, तो रेट भी जैसे जैसे अंदाजे से वो ठीक बता रहे हैं, मूली 10 रुपए किलो है, टमाटर 10 रुपए किलो है। और जैसे मैंने पूछा जैसे एक जूस की दुकान है भाई, जूस क्या क्या बना रहे हो आप भाई, जूस बना रहे, कितने का दे रहे हो, छोटा गिलास 50 का है, बड़ा गिलास 100 रुपए का है। इस तरह बच्चों ने बड़ा आनंद मतलब जो आ रहा है कि बच्चे जो है ना प्रेस करने वाले से पूछा भाई प्रेस कर रहे हो कि हाँ जी कितने रुपये लेते हो भाई, एक कपड़े के 10 रुपये हैं, जोड़े के 20 रुपये लेते हैं, ड्राई क्लीन का क्या है कि ड्राई क्लीन 50 रुपये में है। तो इस तरह जो अनेक काम जैसे बच्चों ने बताया तो बड़ी प्रसन्नता है कि बच्चों को जो है ना छोटी छोटी बातों का पता चल रहा है। ऐसे तो बच्चों को जैसे छोटे बच्चों को घर में पता ही नहीं होता, एक पत्तेदार सब्जियों की एक दुकान उसने लगाई हुई है, पत्तेदार सब्जियों में उसने बताया कि ये बथुआ है, ये पालक है, ये अलग अलग जो उसने जो है ना डिफाइन पता होना चाहिए, पत्तेदार सब्जियों में भी उनको पता है कि भाई ये अलग अलग सब्जियां हैं, बथुआ अलग है और ये चीज़ अलग है, उसमें तो हरा धनिया ये अलग है, मेथी अलग है, वो बता रहे सारी बातें। तो कई लोगों को तो बड़े लोगों को नहीं पता होता कि भाई मेथी का और उसका जो है ना बथुए का अंतर नहीं कर पाते, तो इन बच्चों को जैसे है ना बहुत कुछ जानकारी इस बात से प्राप्त हो रही है। बच्चे छोटे बच्चों को जो हम पुस्तकें नहीं दे करके जो है ना खेल खेल में और इस तरह के जो है ना मेले करके वो सिखाते हैं हम बच्चों को, किताबें हम जो है ना नर्सरी में किताबें नहीं लगवाते, बिना किताबों को ही ज्ञान देते हैं, चाहे उनको चित्रों से दे चाहे बोल के खेल खेल में उनको इसी तरह का जो नहीं के लिए, तो एक तरह का खेल भी है ये, और इनका बहुत कुछ सीख रहे, बहुत आनंद आ रहा है, बच्चे भी बहुत आनंद ले रहे हैं, टीचरों ने बहुत मेहनत की है। और एक बात और है, जो ये सब्जियां और ये जो चीज़ अनाज वगैरह है बच्चे अपने घरों से लेकर के आए हैं, पेरेंट्स को भी इस बात का पता चल रहा है कि भी पेरेंट्स ने बहुत सहयोग किया है इसमें, सब्जियां भी जो है ना फ्रूट भी जो है ना बच्चे अपने घरों से लेके आए हैं और ये सब जो फ्रूट वगैरह इन बच्चों को काट करके और उनकी चाट वगैरह बना करके बच्चों को ही खिलाई जाएगी और बच्चे बड़ा आनंद ले रहे हैं। उस विद्यालय में जो टीचर्स हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जो हमारे टीचर नर्सरी के टीचर हैं वो इसमें बराबर लगे हुए हैं, इतना अच्छी तरह जैसे बाज़ार लगता है कि आप एक सब्जी मंडी में जाते हैं आवाज़ लगाते हैं आ जाओ ले लो गाजर ले लो टमाटर ले लो, तो इस तरह की आवाज़ें भी बच्चे निकाल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा जो है क्या नाम तो मेरा परमानंद लोहिया अध्यक्ष गीता विद्या मंदिर गोवाड़ा। मैडम शिशु बाजार लगा रखा है तो बच्चों ने किस किस चीज़ की स्टॉल लगा रखी है और कितनी स्टॉल लगाई हुई है? लगभग यहाँ पर 17 दुकानें लगी हुई हैं जिसमें फ्रूट्स की हैं, वेजिटेबल्स की हैं, किराना स्टोर हैं जिसमें मसाले हैं दालें वगैरह हैं, फूलों की दुकान लगी हुई है यहाँ पर, नाई की भी दुकान है यहाँ पर, जूता शॉप है, डॉक्टर्स की दुकान है, ड्राई क्लीनर भी है अपने पास यहाँ पर, और ये लगा ली हमारे हरे साग की तो अलग से दुकान है, स्पेशल सर्दी है तो हरा साग खाना ही चाहिए उसके लिए अलग से स्टॉल लगा हुआ है बिल्कुल हमारा, और हमारी क्रॉकरी की दुकान लगी हुई है यहाँ पर। जी तो बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकली बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आपके दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है और उन किन किन चीज़ों की आपको जीवन यापन करने के लिए चीज़ें ज़रूरी आपको चाहिए होती है, उन सब चीज़ों के यहाँ पे स्टॉल लगाई गई हैं और किताबों के अंदर बच्चे बोर हो जाते हैं, यहाँ पर बोर ना करके बच्चों को खेल खेल के साथ साथ शिक्षित किया जा रहा है। ये बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकली बच्चे बहुत जल्दी कैचअप करते हैं। ये गीता स्कूल है जो यहाँ पर इस तरह की पहल कर सकता है और बच्चों को प्रैक्टिकल तौर पे शिक्षित कर रहा है। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव पर। नमस्कार।